में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने लल्लन सिंह पर तंज कसा है और साथ ही साथ उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपको बताते चलें, ये वही लल्लन सिंह हैं जिन्होंने हाल ही में अमित शाह को लेकर तंज कसा था और कहा था कि मैं राजनीति में बहुत पुराना हूं। इतना ही नहीं, अमित शाह को लेकर बहुत सारी टीका टिप्पणी की थी उन्होंने और अपने ट्विटर पर एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए थे। लल्लन सिंह ने अमित शाह के प्रति अपनी नाराजगी इसलिए जताई थी क्योंकि अमित शाह ने उन्हें राजनीति में नया शख्स कह दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में लगातार राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और इसी कड़ी में अब सुशील कुमार मोदी ने लल्लन सिंह पर बयान जारी कर रविवार को हमला बोला। सुशील कुमार मोदी ने कुछ सवाल तो पूछे ही, साथ ही साथ कुछ जवाब मांगे हैं। ट्वीट करते हुए सुशील कुमार मोदी ने 9 सवाल दागे लल्लन सिंह के ऊपर और उसके साथ साथ उन पर तंज कसा। सबसे पहले सुशील कुमार मोदी लिखते हैं, लल्लन सिंह जी आप दया के पात्र हैं, आप अपराध भ्रष्टाचार से समझौता कर सकते हैं लेकिन हम नहीं, इस कारण आप केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, आपके आका मुख्यमंत्री आपकी वही दशा करेंगे जो जॉर्ज शरद आरसीपी की है। 2024 में लालू प्रसाद बिहार को जदयू मुक्त करेंगे, इंतजार कीजिए। इसके बाद जो 9 सवाल दागे गए हैं लल्लन सिंह के लिए मोदी की तरफ से वो आपको बताते हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने हेतु पीआईएल दाखिल करने और इस घोटाले से जुड़े कागजात सीबीआई को आपने उपलब्ध कराए थे या नहीं। आईआरसीटीसी घोटाले और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कागजात तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीबीआई को आपने उपलब्ध कराए थे या नहीं। नीतीश कुमार ने आपको पार्टी से क्यों निष्कासित किया था और आपकी सदस्यता समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को क्यों पत्र लिखा था। जेडीयू छोड़ने के बाद आपने कहा था कि नहीं, नीतीश कुमार के पेट में दांत कहां कहां है मैं जानता हूं तथा मैं सर्जन हूं जो एक एक दांत निकालना जानता है। जदयू छोड़ते समय आपने नीतीश कुमार को तानाशाह कहा था या नहीं। आपकी पार्टी 1995 में विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी और मात्र 7-2 सीटों पर क्यों सिमट गई। भागलपुर का चुनाव 2004 में विपरीत परिस्थितियों में 1.25 लाख वोट से जीता और उसी वर्ष रेल मंत्री रहते नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा से क्यों चुनाव हार गए थे। उप मुख्यमंत्री आप लोगों की कृपा से नहीं बना था, बीजेपी के विधायकों की रायशुमारी में 90% विधायकों ने मेरे पक्ष में मत दिया तब मैं उप मुख्यमंत्री बना था। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी पर मुकदमे को सीबीआई ने ना तो वापस लिया है और ना ही केस बंद किया है। 28 सितंबर को अगली सुनवाई का इंतजार कीजिए। तो देखा आपने कैसे लल्लन सिंह पर सुशील कुमार मोदी तंज कसते हुए नजर आए, उन पर सवाल दागते हुए नजर आए हैं। बहरहाल बिहार में जिस तरह से सियासी उठापटक चल रही है इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।